हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आप बहुत सारा पैसा लगा के एक महंगा DSLR कैमरा परचेस करते हैं, बात उससे भी नहीं बनती है तो एक महंगा वाला लेंस परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बेहतर वीडियो क्वालिटी मिल सके, आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल सके, आपका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ब्लरी मिल सके, इस रीजन से आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी हमारा जो वीडियो क्वालिटी मिल रहा है वो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन से जो हम लेते हैं स्मार्टफोन से वही क्वालिटी मिल रहा है। तो क्यों आखिर, क्या रीज़न है? दो रीज़न होते हैं इसके। सबसे पहला रीज़न होता है कि आपको अपने कैमरे को मैनुअल मोड में अच्छे से ऑपरेट नहीं करने आ रहा है, और दूसरा होता है कैमरा या लेंस की लिमिटेशन कि आप उससे बेहतर सेटिंग नहीं कर सकते हैं जितना आपके सराउंडिंग में लाइट है, एनवायरमेंट में जो चीज़ें हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए लोगों को पता नहीं होता। इस चीज़ के लिए कुछ आपको छोटे छोटे सस्ते सस्ते चीज़ें होती है जो लगा के आप अपने वीडियो क्वालिटी में आग लगा सकते हैं। ये दो चीज़, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये फ़िल्टर। बहुत तरह के फ़िल्टर होते हैं लेंस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंट के जो कंडीशन है उसको देख के आपके वीडियोज़ को या फोटो को इन्हांस करने के लिए। ये है, जैसे हम आपको बता दें कि बहुत तरह के फ़िल्टर होते हैं, जैसे UV फ़िल्टर होते हैं, पोलराइजिंग फ़िल्टर होते हैं। ये जो है ये है ND फ़िल्टर, न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर। इसका काम है बेसिकली लाइट को काटना, है ना, और आपके लेंस को बेहतर अपर्चर वैल्यू पे यूज़ करा लेना, और साथ ही साथ बेहतर शटर स्पीड को चूज़ करा के बेस्ट जो होता है वो वीडियो क्वालिटी किसी भी इन्वायरमेंट में देना है इसे। हालांकि इसका यूज़ जो है अंदर इंडोर अगर आप शूटिंग करते हैं तो ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है इसकी, आपको दूसरे फ़िल्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप आउटडोर शूट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटडोर में धूप होता है, काफ़ी लाइट होता है, वैसे सिचुएशन में आप अपने लेंस के बेहतर जो अपर्चर वैल्यू है, शटर स्पीड है, उसको चूज़ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। और एक आदमी एक महंगा लेंस क्यों लेता है? ताकि वो बेहतर उसका अपर्चर वैल्यू यूज़ कर सके, बेहतर क्वालिटी ले सके। और हर लेंस का जो होता है कीमत जो होता है वो उसके अपर्चर वैल्यू पर डिपेंड करती है। जितना बेहतर बेस्ट अपर्चर वैल्यू वाला लेंस होगा वो उतना महंगा वो लेंस की उसकी कीमत होती है। वो जैसे मान लीजिए 2.8 अपर्चर वैल्यू का, 1.8 हो गया, 1.4 हो गया, 1.2 हो गया, जितना बेस्ट अपर्चर होगा उतना जो है वो लेंस महंगा होता है। लेकिन क्या फ़ायदा, जब आप उस के बेस्ट अपर्चर वैल्यू को डे टाइम में आउटडोर में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से मिलेगा आपको बैकग्राउंड ब्लरी? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसके लिए ये होता है इस्तेमाल ND फ़िल्टर। ND फ़िल्टर जो है आपके लाइट को हर लेवल पे काटता है। ये एक वेरिएबल ND फ़िल्टर है, फिक्स्ड वाला भी आता है, हम आपको नहीं कहेंगे फिक्स्ड वाला लीजिए, आप वेरिएबल लीजिए, बहुत सस्ता चीज़ है, 2000-1500 मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, खरीदने से पहले आप देख लीजिएगा इसका साइज़ होता है अलग अलग, आपके लेंस के डायमीटर के हिसाब से रहता है। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें सेट नहीं हो रहा है, तो आप अपने लेंस पे देख लीजिएगा लिखा रहता है ऐसा सिंबल बना के, गोल बना के और फाई करके ऐसा इस तरीके टाइप से, तो वहाँ पे लिखा हुआ उसका साइज़, उसी हिसाब से उसी साइज़ का आप खरीदिएगा तभी वो सेट हो सकता है, नहीं तो सेट नहीं होगा। और दूसरा जो चीज़ है ये है आपका लेंस हुड, जिसका इस्तेमाल करके आप लेंस पे डायरेक्टली जो लाइट पड़ता है वो काफ़ी अफेक्ट करता है आपके वीडियो क्वालिटी। आप देखते होंगे अगर आप स्मार्टफोन से भी फोटो लेते होंगे, अगर लाइट सामने से बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल अगर पीछे से, तो वो लाइट अगर कैमरे के इस पर पड़ती है तो अच्छा वीडियो नहीं देता है, फोटो नहीं देता है। तो वैसे ही सेम सिचुएशन, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना अगर आप इस्तेमाल करते हैं आप देखिए कितना डिफरेंस होता है, आसमान ज़मीन का डिफरेंस होता है आपके वीडियो क्वालिटी में। और ये आप जब बेस्ट अपर्चर वैल्यू पर अचीव कर लेंगे इसे कम करके, तो आपका वीडियो क्वालिटी ऑब्वियस है कि ब्लरी हो जाएगा। चलिए हम आपको इस वीडियो में इसके कुछ सैंपल्स दिखा देते हैं, इसको लगाने के बाद कैसा आपको मिलता है। अब मैंने यहाँ लगा दिया है इस फिल्टर को, अब आप जो देख रहे हैं क्वालिटी, अब देखिए, अब मैं लाइट को यहाँ पे काटने जा रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए धीरे धीरे, ये मैंने एक लेवल काटा लाइट, ये मैंने दूसरा लेवल काटा, तीसरा लेवल काटा, इस हिसाब से कितना भी लाइट होगा आप लाइट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, राइट, और आपकी वीडियो क्वालिटी जो है मस्त होती जाएगी। और देख रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड, अब आप एक लेवल के ज़्यादा करेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, अगर लाइट और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है तो आप और कम कर सकते हैं। तो ये होता है इसका कमाल। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसका साइज़ का, और साइज़ के हिसाब से इसे परचेस कीजिएगा, आई एम सॉरी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके परचेस कर सकते हैं इसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।